शूटिंग के बाद रोज रंजीत के घर होती थी पार्टी। एक्टर बोले रीना रॉय पराठे और प्रवीण बाबी ड्रिंक बनाती थी, तब अमिताभ बच्चन पीते थे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन सिनेमा के फेमस विलेन रंजीत फिल्मों में जितना खूंखार दिखते हैं, असल जिंदगी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने ना तो कभी ड्रिंक की और ना ही कभी नॉनवेज खाया। हाल ही में बातचीत के दौरान रंजीत ने अपने घर पर रोज होने वाली पार्टियों का जिक्र किया है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। रंजीत ने कहा, उन दिनों क्लब का फैशन नहीं था, शूटिंग के बाद जब मेकअप होता था तभी मेरे घर पर पार्टी के लिए सब आ जाते थे। मेरे माँ बाप दिल्ली में रहते थे, 5-6 नौकर रहते थे। उस समय काम बहुत अच्छा चल रहा था, शाम को बोतलें खुलती थी, एक ही छत के नीचे सभी इकट्ठे होते थे, मुझे अच्छा लगता था। मौसमी चटर्जी मछली बनाती थी, रीना रॉय पराठे बनाती थी और प्रवीण बाबी ड्रिंक बनाती थी। संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्म जी, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, फिरोज खान सब बैठते थे। सबका अपना अपना ब्रांड होता था। उन दिनों अमिताभ बच्चन भी पीते थे। एक साथ सब लोग मिलते तो थे, लेकिन सबका अपना अपना ईगो रहता था। कोई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन की बात करता था, तो कुछ लोग आपस में गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते थे। एक बार विनोद खन्ना पूरी तरह से नशे में धुत थे, मैं उनके घर छोड़ने गया। उनको घर छोड़कर जब वापस लौट रहा था तो विनोद बोले कि तू अब अकेला कैसे घर जाएगा, मैं तुझे छोड़ने चलूंगा। उस समय ड्रिंक एंड ड्राइव वाला कोई चक्कर नहीं था, रात भर यही चलता रहा कि मैं उनको घर छोड़ने जाता था और वो मुझे वापस घर छोड़ने आते थे, ऐसे भी संबंध होते थे। रंजीत ने कहा, मैं तो नाम का विलेन हूँ, विलेन वाली हरकत कभी नहीं रही। मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, नॉनवेज का तो आज तक टेस्ट नहीं पाता। सुनील दत्त साहब से जब कहता था कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो वो कहते थे कि पागल है क्या तू, बकरा भी तो वेजिटेरियन होता है। दत्त साहब से मेरे बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। बता दें कि रंजीत को फिल्मों में बड़ा मौका सुनील दत्त ने रेशमा और शेरा में दिया था। अपने करियर में रंजीत 500 फिल्मों में काम कर चुके हैं। आखिरी बार वे अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 में नजर आए थे दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।